सब्सक्राइब कीजिए पाकिस्तान टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद इस्लाम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेक यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का आपने थंबनेल देख लिया होगा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आप किस तरह बहुत ही कम प्राइस में यूएसबी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास इस वक्त तीन किस्म के यूएसबी हैं, जो कि 32 GB में, 8 GB में और एक सैमसंग है, ये भी 32 GB में है। तो फ्रेंड, 16 GB की फ़िलहाल मुझे मिली नहीं थी, इसलिए मैं नहीं लेके आया। तो फ्रेंड्स, 8 GB की अगर मैं आपको प्राइस की बात करूँ, ये तकरीबन 400 से 500 रुपये में आपको इजीली ऑफलाइन मार्केट से किसी भी आप करीबी जो है दुकान से परचेज़ कर सकते हैं इसको। और अगर किंगस्टन में 32 GB की बात कर ली जाए, तो ये भी तकरीबन 800 से 900 रुपये में आपको ये फ्लैश ड्राइव मिल जाती है। और पीछे रह गई सैमसंग, तो ये भी ओरिजिनल नहीं है, ना ही ये ओरिजिनल है। तो फ्रेंड्स, ये जो USB है, ये भी तकरीबन आपको 800 से 900 के अबव जो है राउंड अबाउट मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, इनको दिखाने का आपका मकसद ये है कि इनकी स्पीड अगर आप 3.0 में लें, तो आपको तकरीबन कॉस्ट ज़्यादा जो है वो देना पड़ती है। तो 3.0 में भी आपको स्पीड मिलेगी कम से कम 10 से मैक्सिमम 15 MB/s की स्पीड। तो फ्रेंड्स, जो मैं आप लोगों के लिए USB का फार्मूला आज लेके आया हूँ, उससे आप USB तकरीबन 800 से 900 रुपए में तकरीबन कम से कम 80 GB यूज़ कर सकते हैं। और अगर 1200 से 1500 रुपए आप खर्च करें, तो आप जो है इजीली 160 GB USB जो है खुद जो बना सकते हैं। और अगर आप 8 GB की कीमत की बात की जाए 500-600 रुपए में, तो आप 40 GB जो है वो बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या वीडियो को लाइक करें या शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देख लें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको वीडियो को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप कोई बात पूछना चाहें तो मेरे साथ कमेंट में आप बिल्कुल अपना कमेंट छोड़ें, तो मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको टेबल पर लिए चलता हूँ और वहाँ आपको बताता हूँ कि आप किस तरह कम प्राइस में ज़्यादा कैपेसिटी की USB तैयार कर सकते हैं और जिसकी स्पीड भी कम से कम 20 से 25 MB/s होगी। तो फ्रेंड्स, आप खुद ब खुद जो हमारे यूट्यूबर्स भाई हैं, उनको डाटा ट्रैवल करने के लिए ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए होती है, तो 32 GB से 64 GB जो है वो महंगी पड़ती है, लेकिन 64 GB के मुकाबले में आप 160 GB ही यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो को आगे नेक्स्ट करके कि आप किस तरह अच्छी USB ज़्यादा स्पीड वाली कम प्राइस में तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक 250 GB की साटा हार्ड ड्राइव है जो कि लैपटॉप की है, और एक मेरे पास 40 GB की हार्ड ड्राइव है जो कि लैपटॉप की ही है। तो और एक मेरे पास SSD ड्राइव है जो मैंने खुद अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए रखी हुई है, और ये 128 GB में है। तो फ्रेंड्स, आपको करना कुछ नहीं है, आपको मार्केट से ईजिली किसी भी शॉप से, मोबाइल कंप्यूटर की शॉप से आपको जो है लैपटॉप की हार्ड डिस्क जो आपको 40 GB में मिलेगी तकरीबन 300 से 400 रुपए में। और अगर आप यही हार्ड ड्राइव 80 GB में परचेज़ करते हैं, तो आपको तकरीबन 500-550 के राउंड अबाउट मिल जाएगी। तो अगर इस हिसाब से इमेजिन किया जाए हमारी 8 GB की USB को, तो वो भी हमें 500 से 550 रुपए में मिलती है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसको छोड़ दें, तो आप एक 80 GB की जो है हार्ड ड्राइव आपको तकरीबन 500 से 600 रुपए में मिलेगी, और अगर आप 160 GB में परचेज़ करेंगे तो तकरीबन 700 से 800 रुपए में मिलेगी। तो आप एक हार्ड ड्राइव ले लें, और एक जो है एक्सटर्नल केस होता है जो कि 2.5 HDD एक्सटर्नल केस होता है, ये तकरीबन 200 से 250 रुपए में आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा। तो आप ये एक एक्सटर्नल केस ले लें, जो कि आपको इसके ऊपर मेंशन भी है साटा टू USB 2.0, ID टू USB 2.0। तो आप किसी भी USB को जो है कन्वर्ट करके हार्ड डिस्क ड्राइव को USB में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको बॉक्स में हम देखते हैं कि हमें क्या क्या मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करना, ये एक अदद केस है जो हमें हार्ड ड्राइव को जो हम इसमें इन करेंगे, और कुछ जो है स्क्रूज़ वगैरह जो हमें मिलेंगी, और इसके साथ साथ हमें एक जो है USB to USB केबल मिलेगी, और सेकंड जो है वो हमें एक जो स्क्रू ड्राइवर मिलेगा 4-साइडर जो है, और एक इसके साथ साथ हमें लेदर केस भी मिलता है ताकि हम अपनी USB को इसमें रख सकें। तो फ्रेंड्स, करना आपको कुछ भी नहीं है, सिंपली वेरी सिंपल, जस्ट 2 मिनट का काम है।
इस केस में जो हमारा देख सकते हैं आप के कुछ इलेक्ट्रॉनिक चिप्स दी हैं जो हमें कन्वर्ट करने में मदद करेंगी। तो सिंपली मैं जो हमारी 128 GB जो USB है उसको इसमें पुल करूँगा और ये देखें मैं इसको यहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ और ये हमारे केस में ये देखें आप बिल्कुल फिट आ जाएगी। और करना कुछ भी नहीं है, हमें इसको अपने केस में इंसर्ट कर देना है। और फ्रेंड जो हमारे स्क्रूज हमारे पास हैं हम उनको सिंपली यहाँ पे माउंट कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास स्क्रूज हैं जो हम यहाँ पे लगा देंगे। और इसी तरह दूसरा, ताकि ये गिरे नहीं और इसमें हिले नहीं जिससे हमें कोई भी डैमेज या लॉस होने का ख़तरा हो। तो फ्रेंड्स ये मैंने स्क्रूज लगा दिए हैं। अब जो हमारी फीमेल टू फीमेल केबल है हम इसको लगा के चेक करेंगे हमारे लैपटॉप के साथ कि ये वर्क कर रही है या नहीं। तो सिंपली मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं अपने इसको लैपटॉप के साथ इंसर्ट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो हमारी LED है वो ब्लिंक हो चुकी है और यहाँ लैपटॉप में भी आप देख सकते हैं कि ये इंसर्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये देखें मेरी जो है USB ड्राइव 128 GB में जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ और फिर से प्लग इन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हमारी USB अच्छे से वर्किंग कर रही है। तो फ्रेंड्स मैंने इसको फिर से प्लग इन कर दिया है और आप देख सकते हैं कि हमारी USB है जो बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क। तो फ्रेंड्स बात कर लें तो इसकी स्पीड की, तो मैं यहाँ से इसको जो है ये 50 MB का सॉन्ग है तो मैं इसको अपनी जो है USB ड्राइव में कॉपी कर रहा हूँ। तो आप इसकी स्पीड चेक कीजिएगा फ्रेंड्स, आपको यकीन नहीं होगा कि इतनी ज़्यादा स्पीड है इसकी। तो मैं यहाँ इसको पेस्ट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स 50 MB का सॉन्ग आप देख लें कि 1 से 1.5 सेकंड में हो गया है। तो फ्रेंड्स इस तरह आप कोई भी USB घर बैठे अच्छी स्पीड वाली बना सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बाज़ार में से, तो ये देखने में भी काफ़ी कम्फर्ट है, तो आप जितना ज़्यादा डाटा इसमें कैरी करना चाहिए कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर 1 TB के जो है हार्ड ड्राइव बाहर से परचेज़ करेंगे तो वो तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये में मिलेगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है इस तरह की जो हार्ड ड्राइव लैपटॉप की लें साटा और साथ में एक एक्सटर्नल केस लें और आप अपनी खुद की USB बना लें। तो फ्रेंड्स ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें और अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की टेक रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी टेक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।